क्लास 11 इंग्लिश प्रोज का सेकंड लेसन फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ। बच्चों आप लोगों ने इस कविता को पढ़ना शुरू किया था, इसका एक वीडियो बन चुका है, आज दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कवित्री वर्णन कर रही हैं समुद्र के किनारे इनकी माँ और इनकी माँ के दोनों हाथ पकड़े हुए इनकी दो चचेरी बहनें समुद्र के बीच गई हैं और वहाँ पर इनके चाचा हैं, वो कैमरा लिए हुए इनका फ़ोटो ले रहे हैं। समुद्र की लहरों के बीच में खड़ी हैं और तैरने जा रही थी, समुद्र इनके चरणों को धो रहा है, उसकी लहरें जो है आती हैं टकरा करके वापस चली जाती हैं। इस दृश्य का वर्णन ये कर रही हैं, वो वहाँ पर खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। और अब आगे देखिए, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लॉग एट द स्नैपशॉट। कुछ 20-30 साल पहले बाद लेटर बाद कुछ 20-30 साल लेटर मीन्स बाद शी हैड लॉग्ड, क्या हुआ था, वे हंसी थी एट द स्नैपशॉट माने फोटो को देख करके, अपने चित्र को देख, वो जो फोटो खींची गई, फोटो खींचने के 20-30 साल बीत गए जब, तो उस फोटो को देख करके वो हंसी थी। कौन, इनकी माँ। सी देखो, बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली ये नाम हैं दो, और आप जान गए होंगे किनके नाम हैं ये, इनकी जो दो चचेरी बहनें थी जो इनकी माँ के हाथ पकड़े हुए समुद्र में तैरने जा रही थी, ये उन्हीं के नाम है, उनकी माँ ही इनको कह रही हैं। फोटो को देख करके इनकी माँ हंसी और हंसने के बाद कहती हैं कि बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली जो हैं, सी हेड से उन्होंने कहा एंड लुक, देखो हाउ दे ड्रेस्ड, किस प्रकार उन्होंने ड्रेस्ड किया है, पहना है कपड़े, अस फॉर द बीच, बीच माने समुद्र के किनारे पर जाने के लिए उन्होंने कैसी वेशभूषा धारण की है, इसको देख करके वो हंसी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, सी हॉलीडे समुद्र के किनारे का जो अवकाश था वो तो अब पास्ट हो गया, बीते समय की बात हो गई, समुद्र के किनारे वाला उनका अवकाश अब बीते समय की बात हो गई। माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लेकिन मेरे लिए उनकी हंसी जो है, लाफ्टर मीन्स हंसी, मेरे लिए उनकी हंसी जो है वो महत्वपूर्ण थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने माँ की हंसी इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो तो बीते समय की बात हो गई, बहुत समय बीत गए हैं समुद्र किनारे वाली घटना को, समुद्र किनारे ये लोग गई थी वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है बात, बात इनके लिए अपनी इनकी माँ की हंसी है। बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, दो बोथ माने दोनों, राई मीन्स होता है री मीन मनोरंजक, मतलब बिना किसी तकलीफ के, विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, बिना किसी लेबर्ड इज ऑफ लॉस, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी परेशानी के, दोनों जो है वो मनोरंजक ढंग से झुकी हुई थी। कौन, इनकी दोनों जो बहनें हैं चचेरी, वो बिना किसी परेशानी या कठिनाई के, विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस बोथ री, दोनों जो हैं वो मनोरंजक ढंग से, बहुत ही मनोविनोदी ढंग से, बिना किसी परेशानी के वहाँ समुद्र के किनारे झुकी हुई थी, और इनकी माँ जो थे वो जब उन्होंने हंसा तो इनकी हंसी महत्वपूर्ण थी इनके लिए। फिर से एक बार, कुछ 20-30 साल बाद मेरी माँ ने चित्र पर हंसी उनको आई थी और कहा था कि देखो बेटी और डाली ने किस प्रकार का समुद्र के किनारे जाने के लिए वेशभूषा धारण की है। समुद्र के किनारे का जो अवकाश था वो तो एक बीते समय की बात हो गई, लेकिन मेरे लिए उनकी हंसी महत्वपूर्ण थी, दोनों बिना किसी परेशानी के मनोरंजक ढंग से झुकी हुई थी। नाउ सी हैड बीन डेड, अब तो नियरली एज मैनी ईयर्स, बहुत साल बीत गए मेरी माँ को मरे हुए, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना वो बच्चियाँ जितने साल की छोटी थी, अतः कितने साल की छोटी थी, 12 साल, मतलब 12 वर्ष, मेरी माँ को मरे हुए 12 वर्ष हो गए। ये जो दिया गया है ना एज दैट गर्ल लिव्ड, इसका मतलब होता है जैसे
वो लड़की जो है वो 12 साल की छोटी थी ना उनसे, तो उसी उतने दिन इनकी माँ को मरे हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इस तथ्य के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है उनकी मृत्यु के बारे में। इट्स साइलेंस, उसकी जो है मौन जो है वो क्या करता है, साइलेंस शांत कर देता है। उस चित्र का जो मौन है, साइलेंस जो है वो सबको साइलेंट कर देता है, अर्थात मौन धारण करा देता है। द पोएट इज डिस्क्राइब अबाउट द स्नैपशॉट आर अ फोटोग्राफ विच सी सीज आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर। द पोएट डिस्क्राइब दैट हर मदर had died and seeing a photograph in which there were 3 photos. One was the photo of her mother and 2 photos were of 2 girls belonging to her family. And when they went on the shore of sea, the waves of the ocean were washing the feet of these 3 members. And after 20 or 30 years, the poetess described that seeing the snapshot, her mother laughed at this photograph. When she was with the 2 girls and the name of both girls were Betty and Dolly. Betty and Dolly were the sister of the poetess. And when they were going on the bank of the, on the shore of the, on the beach of the sea, they had dressed a very attractive dress cloth and seen this, his mother laughed, seeing the dress of both girls, she had laughed. And she, the poetess describes again that it was a past time. The holidays of the sea had passed away, but the most important matter was the laughter of her mother. She points out about the laughter of her mother because the both girls both were in ring and they, without any trouble, without any difficulty, they were standing in the sea. She says again that after 12 years, nothing can be said about this matter, about this circumstances, about this fact, because the silence of the photograph makes silent to everyone, because it is a long period which has passed and only the photographs can be seen and nothing can be said
इन दिस सर्कमस्टांसेस, इन दिस फैक्ट। बच्चों आप लोगों को इसका एक्सप्लेन करना है इस कविता का, और कल हम आप इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको लिखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए अगला वीडियो फिर बनाएंगे। तब तक के लिए आप ये काम पूरा कर लीजिए।